हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीतूज कुकिंग हब। आज मैं लेके आई हूँ ओडिशा की बहुत ही फेमस डिजर्ट रेसिपी रसबली। श्रावण का महीना चल रहा है, इसलिए मैंने इस स्वीट रेसिपी को ग्रीन कलर दिया है, जो कि आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर दिख रहा है। इस रेसिपी को आप घर में रखे हुए बहुत ही सिंपल इन्ग्रीडियंट्स के साथ बना सकते हैं। ये डेजर्ट आपको रसगुल्ला और रसमलाई दोनों की याद दिलाएगी। तो आइए इस डेजर्ट को बनाते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई में मैंने यहाँ पे 2 से 3 चम्मच पानी लिया है, ताकि हमारा दूध चिपके नहीं। और मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 लीटर मिल्क। यहाँ पे आप कोई भी मिल्क यूज कर सकते हैं, या तो टोंड मिल्क ले या फिर फुल क्रीम भी ले सकते हैं। और अभी मैंने यहाँ पे डाला है इसमें 4 चम्मच चीनी। तो चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ 3 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर डालने से आपको इसका टेस्ट जो आएगा स्वीट का, वो एकदम मिठाई की दुकान की जैसे फीलिंग देगी। तो इसलिए मैं इसमें ये डाल रही हूँ। और सबसे पहले इसे हमें मिक्स करना है। जब ये मिक्स हो जाए, तब आप गैस स्टोव को ऑन करें और इसे मीडियम फ्लेम पर पकाते रहें, तब तक जब तक कि ये रबड़ी जैसी गाढ़ी ना हो जाए। तो आप चाहें तो 1 लीटर मिल्क को भी जला के अच्छे से उसे गाढ़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं देखें, आप साइड में जो छाली बन रही है उसे भी अंदर डालते जाना है, ताकि रबड़ी अच्छे से एकदम टेस्टी बने। और यहाँ पे देखें, अच्छे से ये दूध गाढ़ी हो चुकी है। इस टाइम पे यहाँ पे मैंने 1/2 छोटी चम्मच ली है हरी इलायची का पाउडर, और साथ में मैं यहाँ पे ग्रीन फूड कलर ऐड कर रही हूँ। तो ये जेल फूड कलर है, तो मैंने उसे पानी में मिक्स कर लिया है और थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो इसमें केसर के धागे भी डाल सकते हैं। मुझे यहाँ पे ग्रीन फूड कलर डालना था, इसलिए मैंने केसर के धागों का यूज नहीं किया है। और इलायची का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है कोई भी स्वीट्स में, तो मैंने इलायची का पाउडर यूज किया है। और अभी यहाँ पे हमारी रबड़ी तैयार है और ये जैसे जैसे ठंडी होगी और गाढ़ी हो जाएगी। और अभी मैंने यहाँ पे लिया है ये 200 ग्राम पनीर। तो पनीर को हमें सबसे पहले ग्रेट कर लेना है। आप या ग्रेट कर ले या फिर आप इसे हाथों से तोड़ भी सकते हैं, क्योंकि हमें इसे मैश ही करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये पनीर कितना सॉफ्ट है। तो यहाँ पे मैंने सारे पनीर को ग्रेट कर लिया है और अभी हमें इसे हाथों से अच्छे से मसलना है, जैसे हम लोग रसगुल्ला या मिठाई बनाने के लिए इसे मसल के अच्छे से एकदम, जब तक तेल ना आ जाए तब तक हमें इसे मसलना है। तो अभी इस टाइम पे मैंने यहाँ पे 1/2 छोटी चम्मच डाली है आटा, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच सूजी रवा। तो ये रवा बारीक रवा है, अगर आपके पास बारीक वाली रवा नहीं है तो आप उसे मिक्सर में पीस के डालें। और इसे डालने के बाद हम लोग इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, तब तक जब तक कि देखेंगे आप कि हाथों में आपके तेल ना आने लगे। इसकी पहचान यही है फ्रेंड, जब आपके हाथों में अच्छे से तेल आने लगेगी तो ये अच्छे से मिक्स हो जाता है। और यहाँ पे देखें, ये तेल आ चुकी है और ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो इस टाइम पे हमें इसे एक छोटा सा पार्ट लेना है और इसे मैं ऐसे गोल करके और छोटे छोटे टिक्की टाइप की बना रही हूँ। तो आप चाहे तो कोई और भी शेप में बना सकते हैं, पर नॉर्मली ये स्वीट्स ऐसे ही बनती है, तो मैंने इसे ऐसे ही बनाया है। और यहाँ पे मैंने सारी टिक्कियों को रेडी कर लिया है और यहाँ पे मैंने डाल दिया था तेल गर्म होने के लिए। तो मैं इसे मीडियम फ्लेम पे तल रही हूँ, आप चाहे तो घी में भी इसे तल सकते हैं। और इसे हल्का सा ब्राउन होने तक हमें फ्राई कर लेना है। और ये हमारी टिक्कियाँ अच्छे से रसबली तल चुकी है, तो हम इसे निकाल लेंगे। और आप इसके कलर को देख के समझ सकते हैं कि कितना यम्मी बनने वाला है। तो हमें इसी कलर का इसे तलना है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं करना है। आप देखें यहाँ पे ये कितना प्यारा कलर आया है। तो इसी तरह से मैं दूसरा शिफ्ट भी तल लूंगी। और ये हमारा दूसरा शिफ्ट भी रेडी है। तो अभी ये टिकिया गर्म ही है, ये देखिए फ्रेंड कितना ये सॉफ्ट है।
और यहाँ पे मैंने ये ट्रे लिया है, इसी में मैं इसे पहले टिकिया को अरेंज कर दे रही हूँ। तो आप पहले इसे इस तरह से रख लें। इसे रखने के बाद हमने जो रबड़ी बनाई है इसके ऊपर डाल देना है। और अभी टिकिया और रबड़ी दोनों गर्म है, हमें उसी समय इसमें इसे शिफ्ट करना है ताकि जो टिकिया है उसके अंदर ये रबड़ी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। और यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने सारे रबड़ी को इसके अंदर डाल दिया है और थोड़ी देर आपको इसे रखना है ऐसे ही। तो अभी मैं सबसे पहले इस पे डाल दे रही हूँ यहाँ पे कटे हुए बादाम, साथ में मैं यहाँ पे थोड़े से पिस्ते भी डाल रही हूँ कटा हुआ। और अभी इसे और भी सुंदर बनाने के लिए मेरे पास ये टूटी फ्रूटी है, तो मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ जिससे कि ये ग्रीन है तो थोड़ा सा रेड इस पे डालेंगे तो और अच्छा लुक आएगा। और ये हमारी रसबली पूरी तरह से रेडी है, तो आप इसे 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही रहने दें। और 10 से 15 मिनट हो चुके हैं तो मैं इसे आपको कट करके दिखा रही हूँ कि ये देखे इसके अंदर तक पूरी रबड़ी अंदर तक जा चुकी है, कितना यमी दिख रहा है ये देखे। तो आप देख के ही समझ सकते हैं कि ये जो डेजर्ट है वो कितनी यमी होगी, कितनी टेस्टी होगी। तो आप इस डेजर्ट को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।